दोस्तों, हम घर में कई ऑर्नामेंटल और फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं और उनमें से कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, मतलब कि जहरीले होते हैं, तो उन्हीं प्लांट्स के बारे में आज की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। दोस्तों, पहला प्लांट है ये फाइलोडेंड्रॉन का। तो ये जो होता है थोड़ा टॉक्सिक होता है, अगर इनकी हम हैंडलिंग ठीक से ना करें तो जो है ये हमारे स्किन में इरिटेशन, और इनमें कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं इनके पार्ट्स में। अगर छोटे बच्चे इनको मुंह में ले लें या आपके घर में कैट्स या पेट्स हैं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। मुंह में स्वेलिंग, थ्रोट में स्वेलिंग, इस तरह की शिकायत हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स हैं तो थोड़े इनकी हैंडलिंग ठीक से करें। और दूसरे नंबर पे दोस्तों है मनी प्लांट। तो दोस्तों, ये मनी प्लांट तो हर घर में ही लगभग पाया जाता है, बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट होता है। तो इसकी भी आपको हैंडलिंग जो है ठीक से करनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बच्चे जो हैं इनके पत्तों को छुएं तोड़े ना, और ना मुंह में ना डालें, और कैट्स और भी अगर पेट्स हैं तो इनके पत्तियों को या इनके पार्ट्स को छुएं ना। इनमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है जो नुकसान करता है। दोस्तों, थर्ड प्लांट है ये पीस लिली का प्लांट। ये पीस लिली भी बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट होता है, इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉइजनस कैटेगरी के प्लांट में आता है, तो इनको भी ये जो आपको बच्चों से दूर और पेट से दूर ही रखना चाहिए। दोस्तों, पीस लिली के जो सेल्स होते हैं, उस प्लांट के सेल्स, उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है इसमें भी। तो अगर पेट्स वगैरह इनको खा लें, खासकर करके कैट्स, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है उनको, तो उनसे बचा के रखें आप ये। उसी तरह से एंथूरियम भी पीस लिली की फैमिली में ही आता है। ये भी थोड़ा पॉइजनस किस्म का होता है, इसमें रेड काफ़ी वैरायटीज में आता है, रेड पिंक, तो इससे आप बचा के रखें एंथूरियम से भी। और दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है कैलेडियम। तो कैलेडियम प्लांट भी हमारा टॉक्सिक प्लांट की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, जो कैलेडियम्स होते हैं ये भी कई वैरायटी के आते हैं, और इनकी सभी वैरायटी जो है पॉइजनस होती है कैट्स डॉग्स के लिए, या जो छोटे बच्चे हैं अगर इनके पत्तों को चबा लें तो ये पॉइजनस ही होते हैं। इनमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की का कंटेंट इन प्लांट्स में कम ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से इनकी टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है। लेकिन ये भी जो है एक टॉक्सिक प्लांट भी है, इसलिए ध्यान से रखिए। और ये नेक्स्ट प्लांट है सिंगोनियम। तो दोस्तों, सिंगोनियम भी हमारा टॉक्सिक प्लांट की लिस्ट में ही आता है। तो सिंगोनियम्स के भी सभी पार्ट्स में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, तो ये भी वही स्वेलिंग इरिटेशन करता है हमारे पूरे, अगर किसी ने चबा लिया तो उसके मुँह में, जीभ में और लिप्स में स्वेलिंग आ सकती है, और जो हमारा ट्रैक होता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, उस पर भी ये असर रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है ये यूफोर्बिया मिली, और कैक्टस की फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये इनमें जो सैप निकलता है वो भी काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो सभी वैसे कैक्टस जो होते हैं वो थोड़े पॉइजनस होता है इनका सैप। तो जब इनकी आप हैंडलिंग करें या रिपोर्ट इनको की कटिंग लगाएं तो इनमें से जो सैप निकलता है उस समय आपको केयरफुल रहना चाहिए। और दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है लिलीज़। लिलीज़ भी हमारी बहुत ही पॉइजनस होती है, और जो इनके खास तौर पे इनके जो बल्ब से ग्रो किया जाता है, तो इनके बल्ब्स काफ़ी पॉइजनस रहते हैं। तो जो फील्ड्स में लगाते हैं, अगर ये अपनी क्यारी वगैरह में इनके बल्ब्स लगाते हैं अगर पेट्स हैं, तो उन लोगों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे तो इनके बल्ब्स नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो पेट्स होते हैं वो कभी मिट्टी खोद के निकाल के इनके बल्ब्स को चबा सकते हैं। तो पेट से इन प्लांट्स को, लिलीज़ के प्लांट्स को, सभी तरह की जो लिलीज़ होती हैं उनसे बचा के रखिए। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट। तो ये स्नेक प्लांट भी टॉक्सिक होता है, तो उसका को भी आप हैंडलिंग ठीक से करें। इनमें से भी जो सैप निकलता है, इनकी जब हम लीफ कट करते हैं तो उससे अपने हाथ वाथ को भी बचा के रखिए, उससे भी जो सैप निकलता है हाथ में इरिटेशन वगैरह हो सकती है। बाकी पत्तियां तो उसकी पॉइजनस होती ही हैं अगर पेट्स या कोई भी उनको खा लें। दोस्तों, नेक्स्ट प्लांट है ओलियंडर का प्लांट। तो ये ओलियंडर का काफ़ी बड़ा बुश होता है, तो लोग आजकल लगाना पसंद करते हैं ओलियंडर, लेकिन ये एक
टॉक्सिक प्लांट है, थोड़ा जहरीला टाइप का होता है, तो इसकी हैंडलिंग भी आप आराम से करें। और दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है शेफलेरा का प्लांट, अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट होता है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये भी एक टॉक्सिक प्लांट की कैटेगरी में आता है। और दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है डायफेनबेकिया का, इसको डमकेन भी कहते हैं। अगर इसके पत्ते वगैरह कोई चबा ले तो थोड़ी देर के लिए इंसान गूंगा या भी हो जाता है, या कैट्स या डॉग्स पे भी इसका असर पड़ता है। और दोस्तों ये है फाइकस ट्राइंगुलरिस, फाइकस की जो वेराइटीज़ होती हैं थोड़ी टॉक्सिक होती है, इनके सैप जो हैं इरीटेशन कॉज करते हैं, तो इनमें भी टॉक्सिक लेवल थोड़ा रहता ही है। तो इनकी हैंडलिंग आप आराम से करें और थोड़ी प्रिकॉशन रखें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या पेट्स हैं डॉग्स कैट्स, तो इन प्लांट्स में जो है टॉक्सिक लेवल सबका डिफरेंट ही रहता है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम। और दोस्तों जो हम क्रोटोन्स लगाते हैं तो ये भी थोड़ा टॉक्सिक ही रहता है, उनकी लीव्स में भी थोड़ी टॉक्सिसिटी होती है, तो थोड़े जहरीले तो ये भी होते हैं और जो है ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके पत्तों को तोड़ो तो इसमें से भी थोड़ा सैप सा निकलता है, तो हाथ में स्किन इरीटेशन कर सकता है। और चबाएं किसी ने मुँह में रखा है, इनको खा लिया पेट्स को ने, तो नुकसान कर सकता है। दोस्तों लास्ट प्लांट मेरी लिस्ट में है और वो है, ये है 15th नंबर का प्लांट, ये है जीजी प्लांट। तो ये बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट होता है, लेकिन ये भी एक टॉक्सिक प्लांट की कैटेगरी में आता है, ह्यूमन बींग्स और पेट्स दोनों को नुकसान करता है अगर इसका को च्यू कर ले कोई। तो इसमें से सैप निकलता है, तो वो हाथों में इरिटेशन कर सकता है, आईज़ में इरिटेशन कर सकता है, और कोई अगर इसका प्लांट का पार्ट खा लिया तो स्टमक अपसेट हो सकता है और वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। तो दोस्तों इन सभी भी जो ये टॉक्सिक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, इनकी हैंडलिंग आप जो है ध्यान से करिए, थोड़ा जो है सतर्क रहें। बाकी तो ये हमें टॉक्सिक तो होते हैं, लेकिन इनके हमें फ़ायदे भी कई मिलते हैं। इनमें से कई तो इंडोर प्लांट्स ही हैं जो हमारी हवा को शुद्ध करते हैं, तो बस थोड़ी सी हमें सतर्कता बरतनी है। और इनको जब भी कटिंग से लगाएं तो ग्लव्स ज़रूर पहनें। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।